नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक और पेपर लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें हम लोग पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बीए सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन जो है उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 2 है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं, ठीक। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन टोटल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके 4 कोई क्वेश्चन करने हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 2 पर आपको अपना जवाब देना है। 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं, हर एक प्रश्न 5-5 मार्क्स का है, 5 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से 2 का करना है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादियों के जो कार्यक्रम थे उनके बारे में बात करना है। दूसरा जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की प्रस्तावना है उसका महत्व डिस्कस करना है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है उसके बारे में डिस्कस करें। या तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक। लास्ट जो हमारा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे जो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग यूनिट नंबर 1 में पहुंच गए हैं, जहां हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेस विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के लिए क्या कारण जिम्मेदार थे, उनके बारे में डिस्कस करें। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉजेस एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों तथा कार्यक्रमों की विवेचना करना था। अब हम लोग पहुंच गए यूनिट नंबर 2 में, जहां पे लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पहला जो है हमारा, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पे आपको डिस्कस करना है, ठीक। या तो सोवन, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनका क्या मतलब है आपको इनके बारे में डिस्कस करना है। फिर हमारा आ जाता है 5वां क्वेश्चन, डिस्कस द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3, ठीक। यूनिट नंबर 3 में जमा पहला क्वेश्चन है, इल्यूसिडेट द फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन जो हमारा, डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं जो हमें भारतीय संविधान में दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करना था। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है, यूनिट नंबर 4, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पावर और इसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना था डिटेल में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फंक्शन और पावर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट, एंड जय हिंद दोस्तों।